हेलो एवरीवन, 15 दिन से कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसके लिए सभी से माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा सा शादी में बिजी हो गई थी और ये सब मेरे पापा के घर पे ही थे, लाने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, तो जस्ट अभी अभी लाए हैं इन लोगों को। सो एक छोटा सा वीडियो इन लोगों पर, आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगेगा। इस बार हमने एक कॉलोनी जैसा बनाया, इसमें 10 पेयर छोड़ रखे हमने, 20 पीस है इसमें, सबको इसी में छोड़ दिया। हंडी भी टुकड़ी भी मैंने 10 लगा रखा है इनमें से। ये पूरा वीडियो है, ये पिंजरा पूरा बड़ा है, लगभग ये 5x2.5 का है, चौड़ाई में 5 फीट है, लंबाई में 2.5 फीट है। अब देखेंगे ये छोटा सा कॉलोनी में कैसे ब्रीड आती है। देखिए आते ही वो मटकी पकड़ लिया, सब मटकी के ऊपर बैठे हुए हैं। इस तरह से इसको डेकोरेट किया, पेड़ों का छोटा छोटा टहनी था उसी पे सजाया है। ऐसा करके आप सबको अच्छा लगेगा ये डेकोरेशन। ये भी इधर भी एक है, तो इस तरह से ये दिखता है। देखिए सब कैसे बैठे हुए हैं, देखिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, आगे और भी वीडियो आने वाले हैं। अभी नया नया आया है, इतने बड़े पिंजरे में रहने का आदत नहीं है इन लोगों को, छोटा छोटा पेयर वाइज पेयर रहते थे पहले। अब इसको 5 फीट का लंबा सा पिंजरा मिल गया, थोड़ा डरे हुए हैं सब। दो एक दिन में सब सेटल हो जाएगा, अपना अपना हंडी बॉक्स पकड़ लेगा। इधर से ऐसे दिखता है ये, तो ये जस्ट अभी छोटा सा वीडियो करके आप लोगों को दिखाया ये कैसा है। तो सभी सब्सक्राइबर व्यूवर्स मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, नए नए वीडियो और भी आएगी आगे। अभी सारे पिंजरा खाली पड़ी हुई है, ये भी खाली है, ये ऊपर वाली भी खाली है, ये वाली भी खाली है, ये सब में सेट करेंगे धीरे धीरे। अभी फिर नई तरह से मेरा सेटिंग होगा, सारा सेटअप नई तरीके से चालू होगा, उसके बाद किसमें कितना अंडे देते हैं सभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।